हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रेवत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी सी जिंदगी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज है रमज़ान का लास्ट जुमा, यानी कि अलविदा का जुमा। आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने एक नमाज शेयर की थी, जिस जिसने देखी वो ज़रूर पढ़िएगा, इससे हमारी जो कज़ाए नमाज है ना, उम्र कज़ा की, वो अदा हो जाती है। और जी, मैंने पोस्ट कर दी थी, अब किस किसने देखा है मुझे नहीं मालूम। और जी, स्टेटस पे मैंने डाली थी तो काफ़ी लोगों ने मतलब पढ़ी है और कितने लोगों ने मुझसे मालूम भी ली इस मामले में। तो चलो, अच्छी बात है कि कहते हैं ना कि इंसान को मालूम देनी चाहिए, तो वो एक चीज़ हो गई। और जी, आज है रमज़ान का 25वां रोज़ा, तो आप सभी को रमज़ान का 25वां रोज़ा ही बहुत मुबारक हो। 25 रोज़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं आगे 4 रोज़े होते हैं या 5 रोज़े होते हैं, तो मक्का पे ईद होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और जी, मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉग असर की नमाज के बाद से, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है फ्रेंड्स। और जी, अब तैयारी कर रहे हैं हम लोग इफ्तार की। तो इफ्तार में मैं कुछ नहीं, या तो मैं ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी या फिर है ना बटाटा वड़ा, दोनों में से कुछ भी बना लूंगी। और जी, थोड़ी सी जो चाट की पापड़ी हमारी रखी थी वो हम रेडी कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हम आज कुछ बनाने वाले नहीं थे, हमारा कुछ भी इरादा नहीं था। हमारा रूह अफ़ज़ा भी खत्म हो गया, तो अभी अम्मी जाकर रूह अफ़ज़ा लेकर आएंगी। अम्मी तिलावत कर रही है नमाज के बाद में, तो अभी भाई आया है काम पे से, तो भाई के साथ जाके अम्मी रूह अफ़ज़ा लेकर आएंगी। और जी, अम्मी बना रही हैं कोरमा, तो हमारा कोरमा बनकर रेडी हो गया है। उसमें उसमें जो डालने का है वो डाल देंगी, अम्मी ने बनाया है वो। तो मैंने यहाँ आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, और अब मैं फटाफट से पहले चाट की पापड़ी रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो जी, यहाँ अम्मी की हो गई थी नमाज, और उसके बाद अम्मी करने लगी तिलावत। और जी फ्रेंड्स, अब मैं मिलाती हूँ आपको, एक चीज़ दिखाती हूँ, मिलाती भी हूँ दिखाती भी हूँ। तो ये देखें, ये है चिड़िया का बच्चा, और ये मुझे कल मिला था दोपहर में, तो इसे मैंने लाकर यहीं रख दिया। और जी, ये है ना गिरा हुआ था बाहर रोड पर, तो इसकी शायद पंख वगैरह काम नहीं कर रहे, उड़ नहीं पा रहा है ये। तो बच्चे इसे दीवार पर रख रहे थे, फिर मैं इसे घर पर ही लेकर आ गई हूँ, और इसे मैंने यहीं पौधों में रखा है। और पानी में थोड़ा सा चावल डाल के रख दिया ताकि ये खाए, थोड़ी सी एनर्जी इसमें आए, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। तो हम कोशिश करेंगे भाई ये उड़े और जी अपने अपनी जगह पहुँच जाए, बस यही कोशिश चल रही है मेरी। तो A few moments later. तो यहाँ बना के रखी मैंने आलू चटनी, इसके बनाएंगे हम पोटैटो बॉल्स। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने है ना दो प्लेटों में चाट रेडी कर ली अपनी पापड़ी वाली चाट। तो पापड़ी रह गई थी, तो मैंने सोचा आज यही बना लेते हैं। यहाँ दो प्लेटों में मैंने इसे लगा लिया है। और फाइनली यहाँ लग गया हमारा दस्तरखान। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खुल गया, और जी हो गया है मगरिब की नमाज़ का टाइम, तो अम्मी नमाज़ को बैठ गई हैं। अब मैं भी नमाज़ अदा कर लेती हूँ, और जी नमाज़ अदा करने के बाद मिलती हूँ आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो गई फ्रेंड्स। ये देखिए, ये भाई ना यहाँ चिड़िया को है ना पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पानी नहीं पी रहा है, तो बहुत ही मुश्किल से इसने थोड़ा थोड़ा पानी पिया है। और जब मैंने दोपहर में इसे पिलाया था, जब भी इसने थोड़ा बहुत पिया था। ये देखें माशाल्लाह, तो भाई अल्लाह इसे वो जल्दी सेहत दे। क्या पिला रहे उसको? दूध। उसको मालूम क्या कर, एक है ना इसका ORS का घोला, वो दे उसको, उसकी कमजोरी चली जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, खुल गया है रोज़ा, हो गई है नमाज भी, और है ना अभी अभी ना ईशा की अजान भी हो गई। तेली ले टाइम जाता है कि ईशा की अजान भी तेली हो गई, तो वो भाई जा रहा है दूध लाने के लिए। और जी अफान अभी तक आया नहीं, अफान कहाँ है? और ये है ना परिंदा, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है ना, देखो चिड़िया कहीं जाने रही है। मैं उसे रोज़ दिन में मतलब सुबह के टाइम में, जब मेरी आँख खुली सुबह में, मतलब सहरी करके थोड़ा तिलावत करके सो गई थी, तो उसके टाइम पर ना उसकी इतनी आवाज़ें हो रही थी, चू 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 की आवाज़ें कर रही थी। मैं बोली चिड़िया की आवाज़ नहीं कहाँ से आ रही, तब याद आया भैया ने उसको खोखे के अंदर रखा है, डब्बे के अंदर, गत्ते का जो खोखा होता है उसके अंदर। फिर मैंने उसे उसमें से निकाला, मैंने उसे वहीं पौधों पे रख दिया, फिर उसे पानी वानी जो भी डालना था वो सब डाला। और जी ये मतलब वहीं आराम से बैठा रहा, और इसके जो रिश्तेदार थे ना उसे मिलने आ रहे थे एक एक करके, सब चिड़िए चुचुड़े होते हैं सब आ रहे थे, और ये बेचारा एक जगह बैठा था, छोटा सा बच्चा तो है। फिर अभी उसे भाई ने ना अपने हाथों से दूध क्या क्या पिलाया, तो मैं से कहने लगी उसे ना ORS का घोल पिलाओ, ताकि इसमें थोड़ी सी हिम्मत शक्ति आए। मैं ये चाह रही हूँ कि वो किसी बिल्ली का निवाला ना बन जाए बस, इसलिए हमें 10 बार देखना पड़ता है बाहर भी, क्योंकि हम इसे हमेशा डब्बे में पैक करके तो रख नहीं सकते, खुली हवा में रखना ज़रूरी है। इसलिए मैंने क्या किया, पौधे रखे हैं ना साइड में, मैं इसे वहाँ रख देती हूँ पौधों के ऊपर,
ये अपना जरा जरा सा उड़ता भी रहता है, यहाँ बैठ वहाँ बैठ, नीचे बैठ इधर बैठ उधर बैठ, बस इस तरीके से करता है। तो अभी भाई ने उसको लाकर अभी से वापस से हमने खोखे में रख दिया, क्योंकि अब तो रात का टाइम हो रहा है ना, तो अब भाई ने उसको खोखे में रख दिया। अब रात भर सुबह में इतनी आवाज़ करेगा ऐसा लगेगा हम घर में नहीं हैं, बाहर लेटे गए, इतनी आवाज़ करता है। फिर ये से मतलब दिन भर जा जा के बार बार देखती रहती कोई बिल्ली बिल्ली ना आ जाए। मैं सोचती हूँ बस अल्लाह इसे इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि ये उड़ जा, या फिर हम उसे पाल लेंगे। दोनों में से एक ही चीज़ होने वाली है कि हम या तो हम उसे पिंजरे में पालेंगे फिर, क्योंकि बिल्ली का हमें बहुत डर है, या फिर हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उसे सेहत दे दे, अच्छा हो जाए, ये उड़ जाए अपनी अपनी जगह चला जाए, जो चिड़िया का बच्चा है। बस यही सोच रही हूँ, आप लोग भी दुआ करें कि भाई ये अपने अपने घर अपने अपनी जगह पे वापस चला जाए। और रोज़ा तो खुल गया है, हमारी रोटी बन रही है, अम्मी ने बनाया है एक कोरमा, तो सालन भी बन चुका है कोरमे का, खाना खाएंगे फ्रेंड्स। और अभी अभी बिल्कुल अभी 8:15 देखिए अजान हुई है ईशा की, तो नमाज़ थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, इतनी जल्दी नहीं पढ़ना है। और आज तो मैंने कपड़े कटिंग की, आज मैंने कोई सूट नहीं सिया, इंशाल्लाह कल सीऊंगी। 3-4 सूट रह गए हैं बस सीने के बाहर के, उतने 4 सूट सी के निकाल दूँ, क्योंकि आज 25 को रोज़ा है ना, 26, 27, 28, 29 तक हो जाएंगे 4 सूट। और क्या मालूम इस साल पूरे 30 रोज़े होते हैं या 29 ही रोज़े होते हैं, बोल नहीं सकते ना, कुछ भी हो सकता है। तो मक्के में ईद होने के ऊपर है सब, मक्का में अगर ईद हो गई तो फिर समझ लो यहाँ भी ईद हो गई दूसरे दिन। मैं कर रही थी अभी बैठी हुई ब्लॉग एडिट, छोटा सा ब्लॉग है मेरा 23 रोज़े का, वो एडिट कर रही थी, मैं जल्दी से डाल देती हूँ, भाई है घर में तो उसका हॉस्पिटल लेके डाल देती हूँ, ये सोच रही थी। तो अभी भाई दूध लाने चला गया, अरे बाजी की वीडियो कॉल आ जाएगी, फिर बाजी की वीडियो कॉल चलेगी तो मेरी तो खैर एमबी से वीडियो जाती नहीं है, भाई की इससे जाती है, मेरे इस पर मतलब वीडियो कॉल तो चल जाती है, लेकिन जो अपना ब्लॉग है ना वो ब्लॉग मेरा एडिट नहीं होता उससे, वो सॉरी अपलोड नहीं होता उससे, जबान है ना फिसलती है, सही कहते हैं कि इंसान की जबान फिसलती है, किधर बोलना चाहिए किधर चल जाती है, ऐसा होता है। और बच्चे बच्चों का तो पूछो मत, बच्चों ने तो बड़ा सा दागे रखा आज। अब एक काम करती हूँ, पहले मैं ना अपना ब्लॉग डाल देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हट जाओ बेटा, मम्मी के सामने से नमाज पढ़ने दो, हट जाओ। अच्छा बच्चा है मेरा, जल्दी से, अच्छा बच्चा है ना, जल्दी से, नहीं सुनोगी मेरी बात, मैं बात नहीं करूंगी फिर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हो गई मेरी ईशा की नमाज भी, और जी इस वक्त बज रहे हैं 10, नमाज भी अदा हो गई, और बाजी कॉल आई हुई थी अभी कट हुई है, फिर से लगाना पड़ेगी, यानी गलती से मेरे हाथ से कट हुई है ना, तो जी मेरे हाथ से भी नहीं हुई वो, अपना कट हुई है। और जी हमारी चिड़िया जो है वो जाके बॉक्स में अपना सो गई है, कहानी आया अम्मी बिस्तर लगा रही ना, तो अम्मी के साथ में ये देखें ऐसा करते हैं हमारे बच्चे, ये आपेंगे फूफू मैम करो चलो जल्दी से, ये देखो हनी, हनी का तरीका देखो, मुंह में बॉटल है और जी सर पे तकिया है, चलो जाके अपने बिस्तर पे रखो ताकि जल्दी से, गुड गर्ल, तारीफ मैम कर रही है, किसी भी कर दो अब, हनी तुम भी कर दो जल्दी से, चलो मैम कर दो, ऐसा मैम करते गंदी बच्ची। अम्मी की मतलब उन लोगों को ना बिस्तर डालने की इतनी जल्दी रहती है कि बस अम्मी के पीछे पड़ जाते हैं, बिस्तर डालना है बिस्तर डालना है बिस्तर डालना है बस। तो हम लोग की नमाज हो गई, बिस्तर डल गया, अभी हम लोग खाना खाएंगे, खाना नहीं खाया, मेरा भाई नहीं आया, भाई आ जाए, अभी अभी भाई दूध देकर गया है, तो दूध गर्म कर रहे हैं, और अफान भी अभी तक नमाज से आया नहीं है, तो अफान का ही वेट कर रही हूँ मैं, सब आ जाए तो फिर खाना खाएंगे। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आपके रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे, अल्लाह सभी के रोज़े आसान करे, क्योंकि भाई बहुत हार्ड हो चुके हैं अब। आई मेरा बच्चा गिर गया, फिर ऐसे ही गिरते बेटा, भागना नहीं, गादी खोलने की है ना उनको इसलिए, अरे रे 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 रे, ये देखो इनके दोनों के तरीके, ये देखो ये करने का रहता है इन्हें रोज, इसलिए ये करते हैं। चलो चादर लगाओ जल्दी से, बस ये रोज का है इन लोगों का ही, बस इन्हें रोज ये चीज करनी होती है, इसलिए गद्दे का इंतजार करते हैं। हनी आयत कहाँ हो दोनों, अरे पकड़ो 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 जल्दी से पकड़ो, अरे ये रे दोनों बच्चे, हाय खोलो, अरे आयत निकल गई बाहर, हनी कहाँ है हनी, हनी
हनी हनी लपेट जाओगी बेटा चादर में। हनी मेरे पास आ गई है और देखो वो बॉक्स में ना चिड़िया का बच्चा रखा है कूलर के पास, शायद मम्मा खाई से बैठ गई है। अम्मी खोलो, चलो खोल दिया मैंने, ये रहा मेरा बच्चा। बड़ा खराब हो गया बेटू सब। किसको? नहीं अभी नहीं बनाए हुए, अभी हगीस नहीं बनाए हुए, अभी बनाएंगे अभी तो। हाँ हगीस पहन लो, चलो आ जाओ जल्दी से। हानिया हानी मम्मा चलो हगीस पहन लो, हानी के हगीस, दोनों को मस्ती आई है। चलो जल्दी से चलो, मैं हनी को हगीस पहना देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये पापा के पेशे गोल गोल। हनी हनी कैसे हनी? अरे पकड़ लिया हनी को, पहनती नहीं है जल्दी से हगीस। कहाँ है गाड़ी? अच्छी बच्ची ना तो देखो वाला कहाँ तो ले गया थे। अच्छी बच्ची ना बेटा। हनी मम्मा पप्पी दे दो मुझे, नहीं देनी पप्पी। आए मेरा बच्चा, आया तुम भी कर दो जल्दी से, किसी कर दो आगे जल्दी जल्दी, मेरा बच्चा चॉकलेट लगा दी मुंह को, कुछ कर दो। नहीं करने मूड नहीं है करने का। तो फ्रेंड्स अब हो गया है रात का टाइम, तो अब बारी है मेरे आज के सवाल की। और फ्रेंड्स अब बारी मेरे आज के सवाल की, तो मेरा आज का सवाल है कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के ताबूत को यानी कि संदूक को दरियाए नील से किस नबी ने कितने अरसे बाद निकाला था। मैं अपना सवाल फिर से रिपीट करती हूँ कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को दरियाए नील से यानी कि उनके ताबूत को दरियाए नील से कितने अरसे के बाद किस नबी ने निकाला था। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे सवाल का जवाब जरूर देंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ अब इस ब्लॉग का एंड यही करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बिया वल्ला, गुड नाइट, अब खैर।